हमीरपुर के मुख्य डाकघर के प्रांगण में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ मंडली शाखा द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से डाक विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने, सभी डाकघरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 5 दिन का कार्य सप्ताह किया जाए, नई पेंशन योजना को बंद किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, सभी कर्मचारियों को 50% पेंशन दी जाए, कैजुअल और पार्ट टाइम मजदूरों व कर्मियों को 7वें वित्त आयोग की तर्जी पर वेतन वृद्धि दी जाए आदि मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। इस दौरान बालक राम, सतीश कुमार, स्वतंत्र कुमार, पवन कुमार, मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ मंडली शाखा के प्रधान जगदीप चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिस कारण आज उन्होंने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनके द्वारा उठाई गई मांगों को पूरा नहीं करती तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये जीडीएसएनएल का एक दिन का ही धरना है। ये सरकार ने जो हमारी कमलेश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट बताई थी वो इम्प्लीमेंट नहीं करी है हमारी डिमांड। इसमें कुछ 12-24-36 वाला है पे स्केल वाइज का, तो वो सरकार ने नहीं मानी है। और हमारी कुछ ग्रुप इंश्योरेंस है 5 लाख है और 12-24-36 वाला जो स्केल वाइज वाला है, साथ में हमारी डीडीएस की 180 दिन की जो अवकाश है उसका काम है मोदी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हमने एक दिन का धरना रखा हुआ है यहाँ पे, और साथ में 19 तारीख को हमारा सर्कल लेवल धरना है और 26-11 को हमारा एक दिन का सिलाई का नोटिस दिया। तो ये मांगे हमारी नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले। और सरकार का अगर ऐसा ही रवैया रहा तो हम तो कुछ न कुछ आगे करेंगे। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ मंडली शाखा के सचिव सुरेश बनियाल ने बताया कि सरकार के द्वारा चलाई गई गलत नीतियों के खिलाफ सांकेतिक धरना किया गया। उन्होंने कहा कि डाक विभाग द्वारा कोरोना काल में भी लोगों को सेवाएं दी गई, लेकिन सरकार द्वारा डाक कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कैजुअल लीव प्रोवाइड नहीं की गई और कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध निर्णय लिए गए जिनका वे विरोध करते हैं। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि सरकार उनके द्वारा उठाई गई मांगों को पूरा नहीं करती है तो वे शिमला में जाकर रीजनल स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उनसे बात करे व उनकी मांगों को पूरा करे, अन्यथा आने वाले समय में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ मंडली शाखा अनिश्चितकालीन हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेगी। सिर्फ भाई हैं और साथ में हमारे जो हमें ऑल इंडिया पोस्ट एम्प्लॉई जो डिविजनल ब्रांच है उसका मैं यहाँ पर ब्रांच सेक्रेटरी हूँ, डिविजन सेक्रेटरी हूँ। तो हम एक आज के दिन जो एक सांकेतिक धरना कर रहे हैं, सांकेतिक धरना है सरकार को जगाने के लिए। जो सरकार द्वारा दमनकारी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, कोरोना काल के दौरान भी जो डाक विभाग के कर्मचारी है वो कदम से कदम ला के चले, हेल्थ वर्कर को छोड़कर बाकी जो एम्प्लॉई थे, बाकी जो कार्यालय थे हमारे डाकघर थे सभी खुले रहे, सब ने सभी कर्मचारियों ने कार्य किया। उसके बावजूद भी हमारा जो है केंद्र सरकार ने डीए फ्रीज कर दिया, बाद में भी और ऐसे ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट जो फिक्स कर दिए गए और जो कैजुअल स्पेशल कैजुअल लीव नहीं प्रोवाइड की गई, लोग जो कहीं किसी कारण जो बस सर्विसेज के कारण या किसी और के कारण नहीं आ पाए उनकी छुट्टियाँ भी काटी गई और ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए जो कि मतलब कर्मचारियों के वो विरुद्ध है। वो तो इसलिए हमने आज सांकेतिक धरना है, उसके बाद हमारा जो ऑल इसका सर्कल लेवल का धरना शिमला में होगा, उसमें भी अगर सरकार नहीं मानी तो हम ये फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हमारा ये सांकेतिक धरना हमें पूरा दिया जा रहा है, तो ये है हमारा आज का उसके लिए। तो फिर हमने ये तो जस्ट लाइक सांकेतिक धरना ही है, अगर सरकार चाहती है कि सरकार अपने पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो कुछ मीटिंग करे बैठ में, हमारे जो दिल्ली में बैठे हैं नेशनल लेवल की हमारी जो फेडरेशन हैं वहाँ उसके साथ बातचीत की जाए, और जो पब्लिक को हरासमेंट होगी या कोई भी सफर होगा वर्क तो वो
सरकार के लिए।